दमन के एक निसंतान दंपति का घर नन्ही परी की किलकारियों से गुलजार हो गया है। दमन के दर्जीवाड़ में रहने वाले दंपति धर्मेश दमनिया और उनकी धर्मपत्नी शीतल बेन ने बाल सुरक्षा सोसाइटी, बाल सुरक्षा योजना एवं स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी की मदद से सवा साल की बच्ची आरुषि को तेलंगाना से गोद लेने में सफल हुए। आज बच्ची आरुषि के प्रथम घर आगमन को दमनिया दंपति ने होम कमिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया। खुशी के इस मौके पर चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के कार्यक्रम अधिकारी संजीव पंड्या भी इसमें शरीक हुए। आरुषि के हाथों केक काटा गया और वहां मौजूद मोल्हे के बच्चों पार्टी ने तालियों और अपनी हर्ष ध्वनि से नन्ही परी के घर आगमन की खुशियां साझा की। दमनिया परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। नन्ही परी आरुषि ने आकर उनके घर की सुनी बग्गिया को अपनी किलकारियों से गुलजार जो कर दिया था। अरसे बाद दमनिया दंपति के चेहरे पर आज मुस्कान खिली थी। अपनी खुशी बयां करते हुए धर्मेश दमनिया ने कहा कि वो नहीं बता सकते कि इस बच्ची ने उन्हें कितनी खुशी दी है। उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने आकर हमारे परिवार को संपूर्ण कर दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के ऑफिसर संजीव पंड्या ने कहा कि यह खुशी किसी भी निसंतान दंपति को मिल सकती है। जो भी निसंतान दंपति दत्तक लेकर अपने परिवार में संतान की कमी को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें बाल सुरक्षा सोसाइटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी से संपर्क करना चाहिए। हमें एडॉप्शन सेंटर में गया, सोशल वेलफेयर वहाँ था, हमने लोगे एडॉप्शन नो हमने प्रक्रिया बताई, हमने दौड़ वर्ष पची हमने हमारा घरे बाड़क आयू है। हमें ये इच्छे से कि हमने हमारे जो घर जिम बाड़क आयू तो हमने बीजा पेरेंट्स ने भी इच्छे से कि तुम्हें भी एडॉप्शन नो प्रक्रिया रहो ने तुम्हारी पूरी फेमिली बधी संपूर्ण थी जाए। અમારા ઘરે બાળક આવીને અમે ઘણા સુખી છે અને અમે વેલફેરના બહુ આભારી છે કે અમને એ લોકોએ ઘણો સપોર્ટ કર્યો, એ લોકોના સપોર્ટથી અમે લોકો આજે અમારું પૂરું પરિવાર પૂરું થયું છે। આજ અમારે સમાજ કલ્યાણ વિભાગ, રાજ્ય દત્તક સંસાધન અધિકરણ, રાજ્ય દત્તક સંસાધન અધિકરણ કે દ્વારા આજે એક અમારે બચ્ચા એડોપ્ટ દિયા ગયા, બચ્ચા એડોપ્ટ ક્યા ગયા कपल्स के द्वारा, जो इश्यूलेस कपल था, जो निसंतान दंपति था, तो राज्य तथा संसाधन अधिकरण के द्वारा उनके प्रयासों से, समाज कल्याण विभाग के प्रयासों से आज एक एडॉप्शन कंप्लीट हुआ और बच्चे को एडॉप्ट करके वो लोग यहाँ पर दमन में लेके आए। तो एक बहुत बड़ा विभाग का एक अचीवमेंट है और हम सभी जो इश्यूलेस कपल हैं, जो निसंतान दंपति है या कोई भी व्यक्ति एडॉप्शन लेना चाहता है, दत्तक लेना चाहता है, बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है, वो लोग हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क समाज कल्याण विभाग, राज्य दत्तक संसाधन अधिकरण, कलेक्टरेट पर संपर्क कर सकते हैं। और आज ये होमकमिंग डे मनाया गया कि बच्चा घर पे आया तो एक सेलिब्रेशन हुआ। उनके पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पेशेंस रखा। दत्तक लेना बहुत इजी प्रोसीजर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा पेशेंस आई तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपके आसपास में कोई भी दत्तक के लिए इच्छुक दंपति है वो हमारा संपर्क करें।
Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. For exclusive deluxe, super deluxe and suite rooms with royal ambience. AC restaurant and garden restaurant, ideal for parties and birthday parties. Hygienic, delicious food with quick service. Conference hall, discotheque, party plot. Available. Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. Mashal Chowk, Nani Daman. For more details, call 0260-645-6003, 9879-869822, 9898-641-020. Hotel Raj Palace, a place with a royal feel. लाओ बिजली बचाओ। होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। Experience the new luxury with comfort and quality. Hotel Rivanta, 3 Batti, Devka Road, Nani Daman.